क्या अब मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? अब चल रहा है क्या? अब क्या मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? हाँ राजेंद्र जी, सुप्रभात सर, अभी आवाज आ रही है। यस, चल रही है। बीच में क्या लाइट चली गई? लाइट जाने के बाद में क्या समस्या हो जाती है? फिर क्या वो नेट बंद हो जाता है? नेट बंद होने के बाद में सब कुछ ब्लॉक सा हो जाता है। अपनी फाइल भी इंपोर्ट कर ले। हाँ अब ठीक है। ओके, थैंक यू हिमानी जी, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू पारस जी। हाँ अब आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अशोक जी चौहान, गुड मॉर्निंग। अब सबको आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा होगा? लो चलिए हम चलते हैं। तो देखिए, हम लोग यहां पर स्पीसीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज याद रख लीजिएगा कि स्पीसीज जो है वो टैक्सोनोमी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट किसको कहा जाता है? स्पीसीज को कहा जाता है। हम यहां पर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो आप लोग देख लीजिए एक बार। हम लोग यहां पर कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर स्पीसीज कैसे हैं, जेनेटिक्स के आधार पर स्पीसीज को हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग यहां पर स्पीसीज को इकोलॉजी के आधार पर पढ़ेंगे, हम यहां पर स्पीसीज को इवोल्यूशन के आधार पर पढ़ेंगे, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिकॉग्निशन स्पीसीज कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, और स्पीसीज का लास्ट में हम लोग बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ में हम लोग आज सिबलिंग स्पीसीज के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आगे इस स्पीसीज कंसेप्ट या स्पीशिएशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पैरापेट्रिक स्पीशिएशन क्या होता है, सिंपैट्रिक स्पीशिएशन क्या होता है, पेरिपैट्रिक स्पीशिएशन क्या होता है, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन क्या होता है, कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के क्या क्या पैटर्न्स हैं स्पीशिएशन के, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। आज सिर्फ हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे। तो पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये आई चुकी कि यहाँ पर टैक्सोनोमी की सबसे छोटी जो यूनिट है वो हम लोग किसको बोलते हैं, जाति या स्पीसीज को कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में हमने क्या कहा कि एक ही एरिया में रहने वाली जो स्पीसीज है जो सेम दिखाई देती है, जिनके फिनोटिपिक कैरेक्टर सेम दिखाई देते हैं, उनको हमने एक ग्रुप के अंदर, एक स्पीसीज के अंदर या सेम स्पीसीज के अंदर उसको रख दिया।
साइंटिस्ट थे क्रोनक्विस्ट, जिन्होंने 1978 के अंदर मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था, और ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को हम सिबलिंग स्पीसीज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि स्पीसीज के अंदर मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो जिनका फिनोटाइप सेम हो, जिनका अपीयरेंस सेम हो, क्या सेम हो, जिनका अपीयरेंस सेम हो, जिनका हैबिट सेम हो, ठीक है ना, दूसरे से डिफरेंट हो लेकिन ग्रुप के जो इंडिविजुअल है उनका सेम हो, और ये सारी की सारी जो कंडीशन है वो फिनोटिपिक करेक्टर जो सेम आते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक कॉमन एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं, जैसे सेम तो वहां पर उनको टेम्परेचर मिल रहा है, सेम रेनफॉल मिल रहा है, सेम ही लाइट मिल रही है, सेम ही उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो ऐसे होने के कारण क्या होगा कि उनके ज्यादातर इंडिविजुअल्स के फिनोटाइप करेक्टर सेम दिखते हैं। तो क्रॉनक्विस्ट ने क्या किया, उनको एक स्पीसीज में रख दिया, जबकि वो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर थे परंतु रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेट थे। ऐसे ही बरसात के दिनों में आपने बहुत से इंसेक्ट्स देखे होंगे, रेनी सीजन में निकलने वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो दिखने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, मॉर्फोलॉजी जैसे बिल्कुल सिमिलर लगती है उनकी, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी लगती है, बिल्कुल मॉर्फोलॉजी में वो सिमिलर लगते हैं, लेकिन वो सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते, उनकी स्पीसीज अलग अलग होती हैं। जैसे मैं एक फ्रूट फ्लाई की बात करूं, जैसे ड्रोसोफिला परसिमिलिस है और एक ड्रोसोफिला स्यूडोऑप्सकारा है, दोनों सिबलिंग स्पीसीज है, दोनों मॉर्फोलॉजी में सेम है, दोनों दिखने में हूबहू एक जैसी दिखाई देते हैं, दोनों के फिनोटाइप करेक्टर सेम है, लेकिन दोनों रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड है। रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड का मतलब दोनों के बीच में मैटिंग नहीं होती, दोनों के बीच में अंतर प्रजनन या इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ये रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली रूप से अगर हम लोग यहाँ पर स्पीसीज के कंसेप्ट को समझें तो हम लोगों को ये चीज यहाँ पर समझ में आती है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं। जैसे ईस्टर्न मीडोलॉर्क और एक वेस्टर्न मीडोलॉर्क है, ठीक है ना, तो आपका ईस्टर्न मीडोलॉर्क और वेस्टर्न मीडोलॉर्क, ईस्टर्न जो मिडोलॉर्क है इसका जूलॉजिकल नेम है स्टर्नेला मैग्ना और दूसरा है स्टर्नेला नेग्लेटा। देखिए मैग्ना और नेग्लेटा ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ये दिखने में हूबहू एक जैसी सी दिखाई देते हैं, यानी कि दीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड होते हैं। इवन इनका जो सिंगिंग का पैटर्न है इन बर्ड्स, ये दोनों की दोनों बर्ड्स हैं, पहले तो दिमाग में ये रख लीजिए कि ईस्टर्न मीडोलॉर्क और वेस्टर्न मीडोलॉर्क ये दोनों की दोनों बर्ड्स हैं। ईस्टर्न मीडोलॉर्क का जूलॉजिकल नेम है स्टर्नेला मैग्ना, जबकि वेस्टर्न मीडोलॉर्क का यहां पर बताएंगे आप लोग जूलॉजिकल नेम जो है वो स्टर्नेला नेग्लेटा। तो मैग्ना और नेग्लेटा, यानी कि ईस्टर्न में मैग्ना और वेस्टर्न में नेग्लेटा, तो इन दोनों का फिनोटिपिक करेक्टर सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है, लेकिन इनके जो सिंगिंग का जो पैटर्न है, जो सॉन्ग जो है, सिंग डिफरेंट सॉन्ग, यानी कि अलग अलग धुन के अंदर गाती हैं, जिससे ये अपनी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर सके। तो इस तरह की जो स्पीसीज हैं ये स्पीसीज कहलाती हैं आपकी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो एक लाइन में मेरी बात को आप लोग समझ सकते हैं, एक लाइन में क्या समझ सकते हैं मेरी बात को, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं इसको, ये समझ सकते हैं कि यहां पर इसको बहुत आसानी के साथ में, हाँ जी सोनिया जी गुड मॉर्निंग, हाँ रोशन जी गुड मॉर्निंग, ऐसा है कि प्रीवियस की एग्जाम तो होंगी लेकिन एग्जाम का अभी कोई टाइम टेबल वगैरह कोरोना के कारण, क्योंकि पैंडमिक इतनी भारी चल रही है अभी, तो आप क्या कि घर के ऊपर ही अपनी तैयारी करें तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, परीक्षाएं तो होंगी,
ठीक है ना। और हो सकता है कि इस बार वाइस चांसलर साहब ऑनलाइन परीक्षा कराने के मूड में भी हैं कि भाई ऑनलाइन एग्जाम करवा लें, तो परीक्षाएं तो कंफर्म है जो आपकी होनी है, इसलिए आप परीक्षा की तो चिंता करें। और साथ साथ में देखिए, चूंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए कि साथ साथ में आप लोग नेट की प्रिपरेशन भी करते रहें, ठीक है ना। जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है वो रिट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने केवल जो एमएससी ही कर रहे हैं, जिनका बीएड नहीं है, मेरी राय है कि उन बच्चों को नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी की जो वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आरपीएससी इनको भरने से पहले आरपीएससी जो है वो इनको पोस्टों को फिल करने से पहले हो सकता है कि वो यहाँ पर परीक्षा भी आपकी क्या नाम है सेट का एग्जाम भी करवा ले। सेट का एग्जाम कंपेरेटिवली नेट की तुलना में थोड़ा आसान होता है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन देखिए एक चीज़ याद रखना, बिना प्रिपरेशंस के कुछ भी नहीं होगा। आजकल स्टूडेंट नोट्सों के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए, टेक्स्ट बुक है, रेफरेंसेस बुक है, वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। इस कारण क्या है कि उनके जो बायोलॉजी के जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। आप लोगों को आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि आपका सेट भी निकल सकता है, नेट भी निकल सकता है। आप अभी जैसे ये क्लास पढ़ने के बाद में आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके नेट के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो फिर देखो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसमें ना तो चेतन सर कुछ कर पाएंगे, ना कोई कुछ और कर पाएगा, इसमें देखो आपका हार्डवर्क ही काम आएगा। हाँ ये है कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग क्या नाम है अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको नंबर भी दे रखा, आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मेल आईडी भी मेरे उसके ऊपर लिखा हुआ है, मेल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमने बात कर लिया मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, यानी ऐसी स्पीसीज जिसमें इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली रूप से सिमिलर हैं, उनको यहाँ पर एक स्पीसीज के अंदर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या नाम है क्रॉनक्विस्ट ने इनको एक स्पीसीज का मेंबर मान लिया, जबकि वास्तव में वो मॉर्फोलॉजिकली रूप से तो सेम थे लेकिन जेनेटिकली रूप से डिफर थे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थे, आपस में वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते थे, कैन नॉट इंटरब्रीड ईच अदर। तो इसका मतलब, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रेनी सीजन में निकलने वाले इंसेक्ट जो मॉर्फोलॉजी तो सेम है, ठीक है ना, जो कि बट डू नॉट बिलोंग टू सेम स्पीसीज। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैंने बर्ड्स का दिया है, ईस्टर्न मिडोलॉर्क और एक वेस्टर्न मिडोलॉर्क, यानी स्टर्नेला मैग्ना और स्टर्नेला नेग्लेक्टा, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है, ठीक है ना, लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है। इवन हम लोग इनको इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब ये सिंगिंग करती हैं तो इन दोनों की स्पीसीज का जो सोंग है वो भी डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे वो अपनी फीमेल को, मेल जो है, अट्रैक्ट करता है मेटिंग के लिए। तो ये जो स्पीसीज का जो कंसेप्ट था, ये पूरी तरह से इस स्पीसीज के कंसेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद में दूसरा जो स्पीसीज, पहला जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया वो कौन सा बताया जी साहब, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। अब दूसरा जो स्पीसीज का कंसेप्ट आया वो था जेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट, लोर्सी ने दिया। लोर्सी ने क्या कहा कि जेनेटिकली जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे एक स्पीसीज से ही बिलोंग करते हैं, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल। अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें कि जेनेटिकली आइडेंटिकल कैसे बनते हैं, वो तो आप बहुत सिंपल सी बात है, मोनोजाइगोटिक ही होंगे। अगर एक जाइगोट है और एक जाइगोट में जब क्लीवेज होता है, क्लीवेज होते समय वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक जाइगोट दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो नया ब्लास्टुला फॉर्म करेगा, नया इंडिविजुअल बनाएगा। तो अगर मोनोजाइगोटिक कंडीशन है तो बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग, जो ट्विन्स है, वो फिनोटिपिकली रूप से और जीनोटिपिकली रूप से कैसे होंगे, सेम होंगे,
उनका जीनोटाइप सेम होगा, तो क्या उनको हम लोग, तो स्पीसीज का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए तो इंडिविजुअल जो तो है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। फिर लॉर्डसी को लगा कि यार मैंने डेफिनेशन थोड़ी ठीक नहीं दी, इसको ठीक करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ऐसे इंडिविजुअल जो जेनेटिकली सिमिलर हैं उनको, यहाँ से इन्होंने क्या आइडेंटिकल शब्द को हटा दिया, अब क्या शब्द जोड़ दिया, सिमिलर, यानी कि आनुवंशिक रूप से समान जो जीव हैं उनको एक स्पीसीज के अंदर रख दिया, ठीक है ना। अब लेकिन सिमिलरिटी की क्या डिग्री हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें कि ह्यूमन और चिंपांजी का लगभग 99% जीनोटाइप सेम है, तो क्या वो दोनों एक स्पीसीज के मेंबर हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो यहां पर जेनेटिक स्पीसीज का जो कंसेप्ट था उसको भी डिस्कार्ड कर दिया कि भैया नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को भी क्या कर दिया जी, इस कंसेप्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया। अब इस कंसेप्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया तो फिर अब नए नए कंसेप्ट इनके लिए दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे अभी हम लोग। तो इस कंसेप्ट को भी क्या कर दिया, डिस्कार्ड। तो आपने कौन कौन से देखा, पहला देखा आप लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जिसमें फिनोटाइप सेम था। अगला आप लोगों ने दूसरा देखा जेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट, जिसमें देखा कि भाई क्या नाम है जिनका जीनोटाइप सेम हो, ठीक है ना, ये भी डिस्कार्ड हो गया। और थर्ड देखेंगे अब हम लोग इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। ये जो आपका इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है, ये वॉन वैलेन ने दिया। इन्होंने क्या कहा, ए स्पीसीज इज ए लीनिएज, मतलब इन्होंने जैसे हम लोग हमारे जैसे बात करें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है कि जैसे हम हैं हमारे पापा पापा के पापा उनके पापा यानी दादाजी, मतलब पापा पापा दादाजी पड़ दादाजी सड़ दादाजी अड़ दादाजी, मतलब अगर हम देखें तो वो हमारा पूरा का पूरा जो खानदान का जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता हुआ जो आ रहा है उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, लीनिएज। लीनिएज का मतलब क्या है कि एक प्रकार से क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल जो एक ही क्या नाम है उससे निकल रहे हूं। अब सवाल यहां पर यह है कि यह क्या कहता है इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, कि जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल से पहले समझाना चाहता हूं, जैसे मछलियां पानी के अंदर रहती हैं, उनका हैबिटाट है पानी, पानी के अंदर रहती है, तो इसका मतलब सारी की सारी मछलियां क्या एक स्पीसीज से संबंधित है। भाई इकोलॉजी में तो ये कहा गया है कि उनको क्या नाम है एक जैसा एनवायरनमेंट मिला, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया और क्या नाम है उसमें वो उस एक एनवायरनमेंट में सेम एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव जो है वो एक स्पीसीज के मेंबर मान लिए, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं मेरे कमरे में मैं भी हूँ, कुछ मकड़ियाँ भी होंगी, कुछ लिजार्ड्स भी इधर घूम रही हैं, कुछ चींटियाँ भी होंगी, तो क्या हम सब एक ही उसमें रहते हैं, तो हम सारे के सारे कोई एक स्पीसीज के मेंबर थोड़ी हो गए। तो जैसे मछलियां पानी में रहती हैं तो इसका मतलब वो सारी की सारी मछलियां, जैसे बर्ड्स हैं हवा में रहते हैं तो इसका मतलब एरियल है तो वो सारे के सारे एक स्पीसीज के मेंबर हो गए। तो और बहुत से जैसे इंसेक्ट हैं जो कि सेम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो क्या वो सेम स्पीसीज के हो गए, बिल्कुल गलत। तो यहां पर जो इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि स्पीसीज इज ए लीनिएज, ठीक है ना, मतलब और ए क्लोजली रिलेटेड सेट ऑफ लीनिएज विच occupies an adaptive, which occupies an adaptive zone minimally different from that of any other lineage in its range and which evolves separately from all lineage outside its range, called as ecological species concept। और इसको आप लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि एक ही एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले जो मेंबर्स जो इंडिविजुअल हैं जो फिनोटिपिकली रूप से कुछ सेम से दिखाई देते हैं उनको एक स्पीसीज का मान लिया, ऐसा बिल्कुल गलत था। फिर उसके बाद में इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को कोलिन वॉक्स ने 1986 के अंदर फिर इसने इसको फिर वापस बताया। क्या बताया इसने,
इसने कहा कि भाई बहुत सी जैसे पॉपुलेशन है, जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ये कोई एक पॉपुलेशन है, 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 और इस पॉपुलेशन के अंदर ये यहां पर ये क्या रह रहे हैं, कोई इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ये इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, मतलब ये सब इंडिविजुअल भाई पॉपुलेशन बनाएंगे, इंडिविजुअल मिलकर ही पॉपुलेशन बनाते हैं। मान लीजिए कि ये यहां पर पॉपुलेशन 1 है, 2, 3 और 4, और सपोज कीजिए कि ये सारे के सारे एक ही जगह पर रह रहे हैं, और ये एक ही प्लांट के ऊपर, जैसे ये भी फीड कर रहा है, 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 तो इसका मतलब ये था कि इस स्पीसीज इज ए नंबर ऑफ रिलेटेड पॉपुलेशन द मेंबर ऑफ विच कंपीट मोर विद देयर अवन काइंड देन विद नंबर ऑफ अदर स्पीसीज। तो क्या इनको भी हम एक स्पीसीज का मेंबर मान लें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे जितने भी हर्बीवोरस है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं खरगोश की बात करूं, हिरन की बात करूं, तो वो जैसे घास को खाते हैं, तो क्या मैं हिरन और आपका डियर और रैबिट है उन दोनों को एक ही स्पीसीज में शामिल कर लो? बिल्कुल गलत। जैसे कार्निवोर है, सेम हर्बीवोरस को खाते हैं, जैसे लॉयन है वो भी रैबिट को खाता है, टाइगर वो भी रैबिट को खाता है, लॉयन डियर को भी खाता है, टाइगर डियर को भी खाता है, तो क्या लॉयन और टाइगर को एक स्पीसीज के अंदर मान लिया जाए? ये भी कंसेप्ट जो था वो कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद में एक नया कंसेप्ट आया, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट। एमएससी प्रवेश के सिलेबस के अंदर दो स्पीसीज कंसेप्ट को मेनली मेंशन किया हुआ है, एक तो फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट को मेंशन कर रखा है आपके सिलेबस में, और एक आप लोगों का जो सिलेबस है उसके अंदर बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को मेंशन किया हुआ है। देखिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट। अभी हमने तीन डिस्कस कर लिए, कौन कौन से, मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, जेनेटिक्स स्पीसीज कंसेप्ट, तीसरा हमने इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, अब चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट। अच्छा पारसेन जी, अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप रिट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, और टाइम है घर पर, आप लोग साथ में क्या नाम है अपने, ये भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना? आप कोशिश करेंगे तो अच्छा हो सकता है, कोशिश कीजिए। तो फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट जो है वो नील्स एल्ड्रेज एंड जॉल क्राफ्ट ने दिया, किसने, यहां पर हम लोग नील्स एल्ड्रेज एंड जॉल क्राक्राफ्ट की बात करते हैं। एक्चुअल में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, देखिए मैं समझाना चाहूंगा आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि जैसे फिश है, ठीक है, कोई एंसिस्टर है, उस एंसिस्टर से क्या बना जी, मान लीजिए फिश बनी, हम फिश से करते हैं कि साहब इससे एम्फीबिया बन गए, एम्फीबिया से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साहब रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स से ही हम लोग कह देते हैं कि साहब बर्ड्स बने हैं, और रेप्टाइल से ही क्या बने हैं आपके, मैमल्स बने हैं। तो इसका मतलब रेप्टाइल आपका एक एंसेस्टर है, और इससे निकलने वाले बर्ड्स और जो मैमल्स हैं क्या हम इनको एक स्पीसीज में ले सकते हैं क्या? तो यहां पर फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट में ये क्या क्या कहा गया कि एक कॉमन एंसेस्टर से निकलने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स का ग्रुप है वो सारे के सारे एक स्पीसीज। फिर तो क्या होगा कि पूरा का पूरा सारा ही क्या है, सारा बायोलॉजिकल सिस्टम ही फ्लॉप हो गया। फिर तो क्या नाम है, हम लोग स्पीसीज में, जैसे यहां पर तो हम बात कर रहे हैं मैमल्स के अंदर ही कितनी स्पीसीज हैं, बर्ड्स में कितनी स्पीसीज हैं, रेप्टाइल्स में कितनी स्पीसीज हैं, मतलब कितने जीनस हैं उनके अंदर, कितनी स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन दिस कंसेप्ट मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर करेक्टर आर यूज्ड
मतलब इन्होंने मॉर्फोलॉजी और मॉलिकुलर करेक्टर के आधार पर स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करने की इन्होंने कोशिश की, और इन्होंने कहा कि स्पीसीज क्या है, एक कॉमन एंसिस्टर से निकलने वाले जीवों का समूह जिसको फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट कहा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पर ये कोई एक कोई एंसिस्टर है, ये कोई एक एंसिस्टर है, इस एंसिस्टर से मान लीजिए सपोज कीजिए यहां से ये निकले कोई, ठीक है ना, इसी तरह से इससे कोई स्पीसीज ए बनी, इससे कोई स्पीसीज बी बनी, लेकिन हमने क्या कहा कि ये सारे के सारे जो है वो एक ही स्पीसीज के हैं, तो ये गलत है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉमन एंसिस्टर है, उस कॉमन एंसिस्टर से ही तो ह्यूमन निकला है, उसी से चिंपांजी निकला है, उसी से गोरिला निकला है, उसी से लॉय निकला है, उसी से टाइगर निकला है, ठीक है ना, उसी से कैट निकली है, उसी से डॉग निकला है, क्या ये सारे एक स्पीसीज के मेंबर हैं? तो फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो बात यह है कि भाई एक ही एनसिस्टर है और उससे निकलने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको हम लोग किसके अंदर शामिल कर लें, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट में, जो टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया कि भैया नहीं 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 ये ठीक नहीं है, ये भी गलत है। मतलब ये कहता है कि ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिप्रेजेंट करता हो, तो ये तो पूरा का पूरा गलत है। जबकि हम लोग तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ चुके कि भैया पहले एक सेल आई, उसे दो, उससे क्या नाम है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर जैसे अगर हम लोग एनिमल्स में बात करें, भाई प्रोटोजोआ बने, पोरीफेरा बने, सिलेंट्रेटा बने, फिर उसके बाद में टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज, एलिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइलोडर्मेटा, फिर उसके बाद में आपके हेमिकोर्डेट्स आते हैं, फिर प्रोटोकोर्डेट्स में यूरोकोर्डेट्स और आपके सिफेलोकोर्डेट्स आते हैं जिनको एक्रीनेटा या प्रोटोकोर्डेट्स भी कहते हैं, फिर क्रीनेटा जिसमें आपके वर्टिब्रेट्स आते हैं, और वर्टिब्रेट्स में भी आपके एग्नेथा और गनेथोस्टोम से एग्नेथा में भी आपका ऑस्टियोकोडर्मा ही आता है। ऑस्टियोकोडर्मा के अलावा आप लोग वहां पर पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा, इसी तरह से आप लोग क्या नाम है इसके अंदर भी देखते हैं गनेथोस्टोम्स में आपके पीसीज और टेट्रापोड्स आते हैं, पीसीज के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो प्लेकोडर्मा ही है, प्लेकोडर्मा के अलावा आपका कोंड्रिकथीज या इलास्मोब्रिंकाई, इलास्मोब्रिंकाई के अलावा अगर आप लोग यहां पर देखें तो आपको होलोसिफेलाई नजर आएगा जिसमें आपका काइमेरा आता है जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बोनिफिस एंड कार्टिलेज एंड बोनिफिस के बीच में, और इसी तरह से ओस्टिकथीज या टीलियोस्टोमा ही आता है, डिप्नोइफिस आता है जिसमें आपकी लंग फिशेज आती हैं, फिर उसके बाद में आप लोग टेट्रापोड्स में पढ़ते हैं जैसे एम्फीबिया आता है, एम्फीबिया के बाद में आपके क्या नाम है रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स के बाद में अगर आप लोग देखें तो बर्ड्स आती हैं यानी एविज, और एविज के बाद में मेमेलिया आते हैं। तो कहने का मतलब यह है इसी तरह से अगर प्लांट को देखें तो आपका जैसे प्रोटिस्टा है, तो उसके बाद आपके थैलोफाइट आते हैं जिसमें एल्गी फंजाई हैं, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जिसमें डाइकोट, मोनोकोट प्लांट, इनको डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब इनका इवोल्यूशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ कि एल्गी से ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बना, टेरिडोफाइटा से आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बना, तो क्या सारे के सारे एक स्पीसीज के मेंबर हैं? ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, तो इसको टोटली डिस्कार्ड कर दिया। फिर अगला एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट क्या आता है, कंसेप्ट आता है कि रिकॉग्निशन स्पीसीज कंसेप्ट क्या है, जो कि पैटरसन ने दिया था। रिकॉग्निशन स्पीसीज कंसेप्ट यानी कि एक मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में अपने साथ वाले इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करें। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य के आसपास में जैसे भाई मनुष्य बहुत से पैट एनिमल्स के साथ में इंटरेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे मनुष्य जो है वो बहुत से क्या नाम है इनके साथ में इंटरेक्ट करता है, जैसे हम कुत्ता भी पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं, बहुत से लोग घरों में पक्षी भी पालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ह्यूमन को जैसे घर में कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता जो है जिस घर में रहता है वो अपने मालिक को आइडेंटिफाई करता है, मालिक अपने कुत्ते को आइडेंटिफाई करता है, और लेकिन जैसे ही कोई दूसरे आते हैं तो उनके ऊपर कुत्ता भौंकने लग जाता है। तो क्या हम कुत्ते को और उस इंसान को एक ही स्पीसीज में रख दें? क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे के सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं। घर में हम पैरेट को रखते हैं तो पैरेट के साथ में भी हमारा इंटरेक्शन कुछ ऐसा सा ही रहता है। तो यहां पर रिकॉग्निशन स्पीसीज कंसेप्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म हु रिकॉग्नाइज द सिग्नल ऑफ ईच अदर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के सिग्नल को रिकॉग्नाइज करते हो उनको सेम स्पीसीज के अंदर रखा। ये जो स्पीसीज कंसेप्ट था वो भी टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया।
ठीक है ना, जैसे प्रे और प्रीडेटर है, तो प्रे जो है वो अपने प्रीडेटर को पहचानता है, प्रीडेटर जो है वो अपने प्रे को पहचानता है, प्रीडेटर को पता है कि प्रे कौन कौन से रूप अडॉप्ट कर सकता है, इसी प्रकार से यहां पर प्रे को भी पता है कि मेरा प्रीडेटर कौन है, मुझे कौन खाने वाला है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है, तो क्या प्रे और प्रीडेटर को एक ही स्पीसीज के अंदर रख दें, क्योंकि उनके सिग्नल तो एक जैसे से हैं, ठीक है ना। तो रिकॉग्नाइज सिग्नल के आधार पर हम लोग इसको रिकॉग्निशन स्पीसीज कंसेप्ट जो है इसको टोटली हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब अगला हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट की बात करेंगे। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? देखिए ये बिल्कुल आसान चीजें हैं, इसलिए मैं इन पर ज्यादा वो नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे? इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट की बात करेंगे। और ये कंसेप्ट किसने दिया? विले ने दिया। किसने दिया? विले ने। हमने कौन कौन से पढ़े? मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट पढ़ा, जेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट पढ़ा, हमने इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट पढ़ा, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट पढ़ा, हमने रिकॉग्निशन स्पीसीज कंसेप्ट पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट, जो कि विले ने 1981 के अंदर दिया। देखिए इसमें क्या है, यहां पर यह है कि वही नेचर के अंदर इवोल्यूशन जो है वो अलग अलग कोई सेपरेट तो हुआ नहीं है। ये क्या कहते हैं? एन इवोल्यूशनरी स्पीसीज इज ए सिंगल लीनियज ऑफ एनसिस्ट्रल डिसेंडेंट पॉपुलेशन विच मेंटेन्स इट आइडेंटिफाई फ्रॉम अदर सच लीनियज एंड विच हैज इट ओन इवोल्यूशनरी टेंडेंसी एंड हिस्टोरिकल फैक्ट। मतलब कि जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये कोई एंसिस्टर पॉपुलेशन है, इससे कोई एक स्पीसीज वन बनी, इससे कोई स्पीसीज टू बनी, ऐसे कोई और था उससे क्या बन गई आपकी स्पीसीज, क्या बन गई? थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या नाम है, एंसिस्टर जो थे वो अलग अलग थे, जिन्होंने अलग अलग स्पीसीज, तो इतने कितने के एंसिस्टर आए होंगे? इसका मतलब ये था कि जितनी स्पीसीज बनी है उतने एंसिस्टर होंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंसिस्टर जो है वो बहुत कम रहे हैं, एक एंसिस्टर से ही धीरे धीरे सब चीज़ों का ओरिजिन हुआ है। यहाँ पर इसका मतलब ये कहना चाहता है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट में कि जितनी स्पीसीज बनी है उतने ही उनके एंसिस्टर थे। तो ये जो टोटली डिस्कार्ड हो गया है कि भैया नो सेपरेट इवोल्यूशन इन नेचर, कि नेचर के अंदर इवोल्यूशन जो है वो अलग अलग नहीं हुआ है कि साहब क्या नाम है, ये कुत्ते का एंसिस्टर था इसे कुत्ते बन गए, ये बिल्ली का था इसे बिल्ली बन गए, ये नीम का था तो नीम बन गए, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें जो है टोटली इनको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं फेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट, जो कि किसने दिया? रीडले ने दिया। किसने दिया? रीडले ने दिया। अब देखिए फेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट की बात कर लो चाहे मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की बात कर लो, एक ही बात है, बस केवल साइंटिस्ट ने यहां पर टर्म चेंज करके पागल बनाने की कोशिश कर दी। मतलब ए स्पीसीज इज ए सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लुक सिमिलर, मतलब एक जैसे से दिखाई देते हो, तो वही बात आ गई, फिनोटाइप करेक्टर सेम हो, मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखाई देते हो, ठीक है ना, और तो उनको हमने क्या कह दिया? स्पीसीज कह दिया। तो ये टोटली गलत था। तो जो फेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट कह दो या मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, मतलब रीडले ने नाम चेंज कर दिया, फेनेटिक रख दिया, फेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट, तो ये भी पूरी तरह से डिस्कार्ड हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की बात करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, किसकी बात करें?
बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की बात करें, किसकी बात करेंगे, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की बात करेंगे। अगर हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की बात करें तो ये कंसेप्ट जो था वो किसने दिया, मेयर ने दिया। मेयर का नाम दिमाग में रखेंगे कि क्या नाम है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो था वो किसने दिया, मेयर ने दिया। एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग स्पीसीज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जीवों का ऐसा समूह जो आपस में इंटरब्रीड करके अपनी जैसी संतति या अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे और वो ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। इसका मतलब हम लोग यहां पर बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को बहुत सिंपल वर्ड में समझा सकते हैं कि जीवों का ऐसा समूह जो आपस में तो इंटरब्रीड करे और दूसरी जाति के जीवों से रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड हो। तो ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, मतलब वो ऑफ स्प्रिंग भी फर्टाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया कोई खच्चर बना दिया घोड़े का देगा करवा के तो अब वो क्या नाम है घोड़े का मॉल जो बनता है खच्चर वो कोई आपका स्पीसीज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताएंगे कि जो वाइबल फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग हो और ये रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड हो दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल से, तो ऐसे जीवों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट यानी स्पीसीज कहते हैं इसको। और ये जो डेफिनेशन है इसको सबसे ज्यादा रिगार्ड माना गया, रिगार्डेबल कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। सर्वमान्य क्या नाम है जाति की ये परिभाषा है जो मेयर ने दी। क्या कहा मेयर ने कि ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीसीज एंड शेयर ए कॉमन जीन पूल, जीन पूल भी सेम रखते हो, ठीक है ना। इनका जीन पूल भी कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसको मेयर ने क्या कहा, इसको मेयर ने स्पीसीज कहा। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि साहब सपोज कीजिए, जैसे मैं बात करूं ये कोई ऑर्गेनिज्म ए है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म बी है। सपोज कीजिए कि ये फीमेल है, सपोज कीजिए ये मेल है, ये दोनों आपस में मैटिंग करेंगे। मैटिंग करने पर यहां पर ये क्या बनेगी, प्रोजेनी। प्रोजेनी कह तो या इसी को हम ऑफ स्प्रिंग भी कह देते हैं। ये जो प्रोजेनी है ये यहाँ पर पहली बात तो सर्वाइव करेगी, दूसरी बात करेगी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगी, ठीक है ना। ये क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगी। तो इसका मतलब प्रोजेनी का सर्वाइव करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ये दोनों जो करैक्टर हैं ये इसको स्पीसीज अकॉर्डिंग टू मेयर। तो मेयर ने क्या कहा कि इंडिविजुअल का ऐसा समूह जो आपस में तो मैटिंग करे यानी इंटरब्रीड करे, ठीक है ना। या मैं सिंपल वे में कहूं कि आपस में उनमें मैरिज हो और उनके बच्चे पैदा हो और वो बच्चे भी संतति उत्पन्न करने में क्या हो, सक्षम हो, ऑफ अपने समान इंडिविजुअल पैदा करने में सक्षम हो। तो उनको हमने यहां पर क्या कहा, ऐसे जीवों का समूह क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। और ये एक समान जीन पूल शेयर करते हैं और दूसरे जाति के जीवों से ये रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड हो। तो बायोलॉजिकल जो स्पीसीज कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, दो चीजें दिमाग में रखें, क्या क्या, रिप्रो
डिडक्टिवली आइसोलेटेड और दूसरा शेयर ए कॉमन जीन। लेकिन इस कंसेप्ट की भी कुछ लिमिटेशंस थी, इस कंसेप्ट की भी अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसकी भी बिचारे की क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी। क्या थी इसकी लिमिटेशंस थी? अगर मैं यहां पर इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो क्या क्या थी? देखिए, जो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले जो इंडिविजुअल है वहां पर ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगता, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वहां पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो है वो फॉसिल्स पर भी अप्लाइड नहीं होता। ये दिमाग में रखेंगे दो चीजें, क्या कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहां कहां पर अप्लाई नहीं होता। बायोलॉजिकल कंसेप्ट कैन नॉट अप्लाइड ऑन एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट कैन नॉट अप्लाइड ऑन फॉसिल्स। दो चीजों पर ये कंसेप्ट जो है वो आपका अप्लाई नहीं होता है। इस चीज को दिमाग में आप लोग लेकर चलेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिबलिंग स्पीसीज, कि भैया सिबलिंग स्पीसीज क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग यहां पर सिबलिंग स्पीसीज की बात करें कि भैया सिबलिंग स्पीसीज क्या है, सिबलिंग स्पीसीज की बात करेंगे। देखिए, सिबलिंग स्पीसीज को हम समझें कि भाई सिबलिंग स्पीसीज क्या है। देखिए, ये जो टर्म थी वो भी किसने दी, मेयर ने। सिबलिंग स्पीसीज का मतलब क्या है? सिबलिंग स्पीसीज का मतलब ये है कि ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे क्या नाम है, ऐसी स्पीसीज जो मॉर्फोलॉजिकली रूप से तो सिमिलर हो बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो। सिबलिंग स्पीसीज का करेक्ट, सिबलिंग स्पीसीज का मतलब क्या है, ऐसी स्पीसीज जो मॉर्फोलॉजिकल तो सिमिलर हो, जेनेटिकली डिफर हो, मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो। ऐसी जो स्पीसीज है वो आपकी क्या कहलाएंगी, सिबलिंग स्पीसीज कहलाएंगी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि मॉर्फोलॉजिकली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये सेम स्पीसीज, ठीक है ना, लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़े तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होनी चाहिए। देखो, दोनों कंसेप्ट लग रहे हैं, यहां पर मॉर्फोलॉजी स्पीसीज कंसेप्ट लागू हो रहा है, यहां पर आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट लागू हो रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दे आर सेम स्पीसीज ड्यू टू हैव सेम मॉर्फोलॉजी, बट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दे आर डिफरेंट स्पीसीज ड्यू टू रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सिबलिंग स्पीसीज के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सिबलिंग स्पीसीज के एग्जाम्पल्स की बात करें तो रेनी सीजन के अंदर ऐसे बहुत से इंसेक्ट हैं जो मॉर्फोलॉजिकली तो सेम होते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में बात करने वाले हैं। देखिए, यूरोप के अंदर कुछ मॉस्किटोज की स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे एनोफ्लीज एट्रायोपार्वस, एनोफ्लीज एट्रोपार्वस और एनोफ्लीज मैक्यूलीपेनिस।
देखिए ये दोनों स्पीशीज मॉर्फोलॉजी में तो सेम है, दिखने में हूबहू दिखाई देती हैं, लेकिन बोथ आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, अलग अलग स्पीशीज हैं। तो मतलब ऐसी स्पीशीज जो मॉर्फोलॉजी में सेम हो, मॉर्फोलॉजी में कैसी हो, सेम हो लेकिन रिप्रोडक्टिवली रूप से या जेनेटिकली रूप से क्या हो, डिफर हो। तो ऐसी जो स्पीसीज के जो ऐसी स्पीसीज है उनको हम बोलते हैं सिबलिंग स्पीसीज। इसी तरह से हम एक एग्जांपल ड्रोसोफिला का लेते हैं, ड्रोसोफिला परसिमिलिस और ड्रोसोफिला स्यूडोऑप्सकारा। ड्रोसोफिला परसिमिलिस और ड्रोसोफिला स्यूडोऑप्सकारा, चूंकि फ्रूट फ्लाई है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन दोनों का फिनोटाइप सेम है, दिखने में एक जैसी सी दिखाई देती है, ठीक है ना। दोनों के फिनोटिपिक करेक्टर सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली रूप से आइसोलेटेड होती है। इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सॉन्ग वर्ड का। देखिए एक सॉन्ग वर्ड है ईस्टर्न यूएस के अंदर पाई जाने वाली, ईस्टर्न यूएस के अंदर दो बर्ड पाई जाती हैं, एक विल्लो फ्लाई कैचर, एक तो कौन सी है, विल्लो फ्लाई कैचर, एक एल्डर फ्लाई कैचर। विलो फ्लाई कैचर और एल्डर फ्लाई कैचर ये दो सॉन्ग बर्ड हैं, गाना गाती हैं, ये ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। ये मॉर्फोलॉजी में तो सेम है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। तो आप दिमाग में रख सकते हैं विलो और एल्डर ये फ्लाई कैचर है, दोनों की दोनों मॉर्फोलॉजी में एक जैसी सी दिखाई देते हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों गाती भी अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग इनका सॉन्ग प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और लू ट्री फ्रॉग का। देखिए ट्री फ्रॉग में सेम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, अमेरिका के सेम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर दो स्पीसीज रहती हैं, एक तो आपका यहां पर बताएंगे हम हाइला वर्सिकलर और एक हाइला क्राइसो स्केलिस। तो हाइला क्राइसो स्केलिस, क्राइसोस्केलिस और हाइला वर्सिकलर, तो हाइला वर्सिकलर ग्रेट ट्री फ्रॉग है, इसी तरह से आपका हाइला क्राइसोस्केलिस जो है कॉर्प्स ग्रेट ट्री फ्रॉग है। दोनों मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है परंतु रिप्रोडक्टिवली रूप से क्या से होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। इनके अंदर मैटिंग का पैटर्न भी अलग अलग देखने को मिलता है, मतलब मैटिंग का पैटर्न इनका अलग अलग है, ठीक है ना। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैटिंग होती है तो मैटिंग के समय आपको पता है कि फ्रॉग में मेल जो है वो मेटिंग करने के लिए फीमेल को कॉल करता है, मतलब आवाज करता है, टर 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 की आवाज निकालता है। तो ये जो मैटिंग कॉल जो है, तो ये मैटिंग कॉल हाइला वर्सिकलर और हाइला क्राइसोस्केलिस के अंदर अलग अलग होती है, जो भी इस चीज को बताती है कि यार बोथ आर सिबलिंग स्पीसीज, मॉर्फोलॉजी में सेम है लेकिन यहां पर आप लोग बताएंगे ये मॉर्फोलॉजी में तो कैसे हैं, सेम है लेकिन यहां पर आप लोग बताएंगे कि ये मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हैं परंतु यहां पर आप लोग बताएंगे कि इनके अंदर मैटिंग कॉल्स भी डिफर होती है, दीज आर द सिबलिंग स्पीसीज। इसी अब बात ये आती है कि साहब ये सिबलिंग स्पीसीज बनती कैसे हैं, ऐसा क्या क्या होता है। तो देखिए एक्चुअल में मान लीजिए कि कोई एक किसी जियोग्राफिकल रीजन पर किसी एक एरिया के अंदर कोई स्पीसीज रह रही है, वहां पर उस स्पीसीज के अंदर मान लीजिए कहीं पर जेनेटिक फैक्टर अप्लाई होता है, कहीं पर कोई बायोकेमिकल फैक्टर अप्लाई हो सकता है, हो सकता है कोई इकोलॉजिकल फैक्टर अप्लाई हो सकता है कोई बिहेवियर या कोई मैटिंग कॉल्स, ये फैक्टर अप्लाई होने के कारण वहां पर कुछ इंडिविजुअल वो अलग पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ इंडिविजुअल अलग पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं, और धीरे धीरे ये इनहेरिटेंट होने लग जाता है, तो जिसके कारण ये अलग अलग स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिनोटाइप, चूंकि एनवायरनमेंट तो सेम है तो फिनोटाइप करेक्टर तो सेम दिखाई देंगे, लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो अलग अलग स्पीसीज के रूप में हो जाता है। अगर हम लोग यहां पर बात करें कि सिबलिंग स्पीसीज का निर्माण कैसे होता है, तो सिबलिंग स्पीसीज जो है वो सिंपैट्रिक, एलोपैट्रिक, पेरिपैट्रिक और पैरापैट्रिक स्पीशीएशन का रिजल्ट है।
सिबलिंग स्पीशीज का निर्माण जो है वो सिंपैट्रिक स्पीशीशन, एलोपैट्रिक स्पीशीशन, पैरापैट्रिक और पेरिपैट्रिक स्पीशीशन के कारण डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं सिबलिंग स्पीशीज का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए स्पीशीशन के प्रोसेस को समझने में सिबलिंग स्पीशीज बहुत हेल्पफुल होती हैं कि दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिबलिंग स्पीशीज, यानी प्रोसेस ऑफ स्पीशीशन। सिबलिंग स्पीशीज की सहायता से स्पीशीशन की क्रियाविधि को समझा जा सकता है। दूसरा, हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज की वैलिडिटी की टेस्टिंग जो है वो भी हम लोग किसके आधार पर कर सकते हैं, वो भी सिबलिंग स्पीशीज के द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में मैंने बातचीत की। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी, देखिए अगर मैं घर जा रहा हूँ और अगर वहाँ पर नेट की फैसिलिटी मुझे अगर प्रॉपर मिलती है तो मैं आप लोगों की क्लास लाइव ले पाऊँगा, और यदि मुझे नेट की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिलती है तो फिर मैं वीडियो बनाकर डाल पाऊँगा। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, आप अपने परिवार के साथ खुश रहें। हाँ जी सपना जांगिड़ जी, गुड मॉर्निंग।